हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो मैं जॉब का अपडेट लेके आया हूँ ये झारखंड सरकार की तरफ से निकल के आई है। दोस्तों बड़ी वैकेंसी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना गवाते हुए और देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है झारखंड सरकार की तरफ से वो कौन सी है, क्या इसका डिटेल है। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा दें जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन होंगे सब आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल क्रोम पे या किसी भी ब्राउजर पे जाइए और उसका जो वेबसाइट है उसका लिंक टाइप करना पड़ेगा। आप लोगों को लिंक अगर नहीं पता है तो रिक्वायरमेंट लिखिए, रिक्वायरमेंट लिखने के बाद झारखंड लिखिए, झारखंड रिक्वायरमेंट झारखंड लिख के गूगल पे सर्च कीजिए। पहला वाला लिंक आता है देखिए, रिक्वायरमेंट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है जीओवी डॉट इन। तो ये हम लोग का झारखंड का वही पोर्टल है जहां से हम लोगों का रिक्वायरमेंट निकल के आई है, क्या है उसका, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा उसका होम पेज पे चले आऊंगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है झारखंड रिक्वायरमेंट पोर्टल, इसमें से झारखंड के बहुत सर जितने भी कोई कुछ कुछ डिपार्टमेंट के हैं जो रिक्वायरमेंट आते हैं तो सब यहाँ पे शो हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे न्यू ब्लिंक हो रहे हैं बहुत सारे लिंक इंपॉर्टेंट नोटिस में। मैं पहला वाला पे क्लिक करता हूँ, इस पे पहला वाला पे जैसे क्लिक किया तो एक पीडीएफ सामने में आ जाता है देखिए, जिसमें जहाँ पे उसका डिटेल पूरा यहाँ पे दिया गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये कहाँ से निकल के आई है, UDHD बोल सकते हैं शॉर्ट में, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाल के आई है। देखिए डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाल के आई है। तो इसका डिटेल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, शॉर्ट में नीचे चलते हैं क्या है जो टेबल बन के आया है। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, पोस्ट का नाम दिया गया है, वैकेंसी दिया गया है और कैटेगरी दिया गया है। कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है सबका, देखिए जनरल ST SC BC1 और BC2 के लिए, और लास्ट में जो दिया गया है आपकी सैलरी दी गई है। तो पहला वाला जो दिया गया है मैनेजर के लिए दिया गया है, देखिए सोशल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7 पोस्ट दिया गया है जिसमें से 5 जनरल के लिए है, ST के लिए 2 दिया गया है और SC BC1 वाई सब के लिए नहीं दिया गया है। फिर दूसरा वाला मैनेजर स्किल लाइवलीहुड के लिए दिया गया है जिसमें से 5 टोटल वैकेंसी है, 1 जनरल के लिए, 1 ST के लिए, 1 SC और 1 BC1, 1 BC2 के लिए, सबके लिए एक एक पोस्ट इसमें निकल के आती है। और फिर तीसरा वाला पे चलते हैं, मैनेजर फाइनेंस के लिए जो दिया गया है इसमें 2 पोस्ट हैं, एक दिया गया है जनरल के लिए और एक दिया गया है BC1 के लिए। चौथा नंबर में जो दिया गया है मैनेजर के लिए MIS एंड ME के लिए, इसमें 3 पोस्ट है, एक है जनरल, एक है ST और एक दिया गया है BC1। और पांचवा नंबर में जो लास्ट वाला दिया गया, देखिए कम्युनिटी वाला जो दिया गया है इसके लिए 31, सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में 31 दिया गया है, 13 दिया गया है जनरल के लिए, 12 दिया गया ST के लिए, 4 दिया गया SC के लिए और BC1 के लिए इसमें नहीं है, BC2 के लिए 2 दिया गया है। तो सबसे पहला देखिए 1 से लेकर 4 तक जो पोस्ट है उस सबके सैलरी रेंज दी गई है 50,000 से लेकर 60,000, बहुत अच्छी सैलरी रेंज दी गई है। और लास्ट वाला जो दिया गया है देखिए इसके लिए 10,000 पर मंथ का ये सैलरी है। तो नीचे चलते हैं, नीचे में और कुछ इंपॉर्टेंट जो दिया गया है हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को इसका फॉर्म वगैरह सब डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.jharkhand.gov.in, ये एक लिंक है उसमें स्लैश देने, वो स्लैश होगा फिर www.udhd.gov.in, ये एक दिया गया है। फिर यहाँ पे HTTP लगा के ये तो बाय डिफॉल्ट ही लेगा, उसके बाद रिक्वायरमेंट झारखंड डॉट जी ओ वी डॉट इन जहाँ से मैंने ओपन किया है इसको देख सकते हैं, सेम वही दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं ऑनलाइन थ्रू HTTP इस वेबसाइट से आप लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट दिया गया है देखिए, अप्लीकेशन फी से रिलेटेड दिया गया है, इसमें नॉन रिफंडेबल फी रहेगा 1100 इसका अप्लीकेशन फी दिया गया है। फॉर द पोस्ट 1 to 4 के लिए, 1 to 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1100 लोगों का अप्लीकेशन फी लगेगा। और 500 रुपया जो दिया गया है ये सिर्फ पांचवा नंबर जो पोस्ट दिया गया है उसके लिए है। पेमेंट गेटवे आप लोग कैसे कर सकते हैं देखिए, ऑफलाइन दिया गया है, पोस्ट दिया गया है, उसके बाद हैंड दिया गया है, उसके बाद एनी अदर मोड भी दिया गया है। अबव सेल भी नॉट
तो ये सब जो यहाँ पे मेंशन किया गया है ये सब अवेलेबल है पेमेंट गेटवे के लिए। द डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन इज 3 जून दिया गया है, 3 तारीख से लेके 24 जून तक इसको शाम 3 बजे तक इसको अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसका डेट खत्म हो जाता है, थोड़ा नीचे आते हैं, फिर आप लोगों का यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह का टेबल डिटेल बन के आता है। पहला पोस्ट के लिए जो जी मैनेजर वाला दिया गया था, इसमें आप लोगों की 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट MBA मास्टर इन एनी रिलेवेंट डिसिप्लिन दिया गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है। इसमें आप लोगों की जो सैलरी है यहाँ पे मेंशन की गई है, जो मैंने पहले भी बताया हूँ, तो मैं इस टेबल में सिर्फ आप लोगों का क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह थोड़ा बता दे रहा हूँ। दूसरा पोस्ट के लिए जो दी गई है, देखिए 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट इसमें भी मांगा गया है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट MBA यही सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगी गई है। थर्ड वाला में 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट MBA वही सब इसमें भी मांगा गया है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है जो आप लोग थोड़ा डिटेल में इसको देख सकते हैं। एक्सपीरियंस वगैरह 3 ईयर्स वही चीज मेंशन किया गया है। चौथा नंबर पोस्ट के लिए जो दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए, इसमें दिया गया है 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर इन कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का होना चाहिए, MSc कंप्यूटर साइंस में अगर किए हैं तो भर सकते हैं, BTech कंप्यूटर साइंस में किए हैं तो भर सकते हैं, और MCA वगैरह किए हैं तो भर सकते हैं, एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आप लोगों को। पांचवा नंबर जो लास्ट वाला था, इसमें आप लोगों को 12 पास वाले कैंडिडेट इसको भर सकते हैं, एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस के साथ होनी चाहिए। ये सबका सैलरी भी यहाँ पे राइट साइड में दिया गया है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, आप लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा पोस्ट का, पहला पोस्ट के लिए जो दिया गया है, पहला पोस्ट के लिए अगर भरते हैं तो आप लोगों का काम क्या रहेगा, ड्यूटी क्या रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा जॉब में, वो चीज यहाँ पे दिया गया है। तो इसी तरह से हर पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है, ये दूसरा वाला, तीसरा दिया गया है, चौथा के लिए दिया गया है, और पांचवा के लिए भी सबका अलग अलग रोल स्कोप दिया गया है वर्क का। तो फिर नीचे चलिएगा, नीचे में आप लोगों का जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया है, जो आप लोगों को पढ़ के जानना बहुत जरूरी है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं, किस वेबसाइट से जाके करना है, कैसे करना है, ये सब रूल्स, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल इंफॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह दिया रहता है। और नीचे थोड़ा आगे आइएगा तो आप लोगों को एक पॉइंट मिलेगा, हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई आप लोगों को किस तरह से करना है, जैसे दिया गया है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखिए कैंडिडेट है टू रजिस्टर हमसेल्फ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाने के लिए बोल रहा है, यूजिंग रजिस्टर्ड टैब टू रजिस्टर्ड टैब में जाना पड़ेगा, उसके बाद होम पेज ऑफ इसका इस पोर्टल पे recruitment.jharkhand.gov.in जो मैं ओपन करके रखा हूँ, यहाँ पे देखिए रजिस्टर कर दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो यही चीज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, आप लोगों का यूजर पासवर्ड मिलेगा, वो सब लॉग इन करके आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों की क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या कितनी साइज होनी चाहिए, कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए, यही सब यहाँ पे मेंशन किया गया है सारे डिटेल में। ड्यूरिंग अप्लाइंग प्रोसेस कैंडिडेट हैज टू पे 100 रुपीज थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, तो ये दिया गया है। थोड़ा नीचे आइएगा तो आप लोगों का एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो डाउनलोड करना पड़ेगा, फिल अच्छी तरह से करना पड़ेगा, किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, कैंडिडेट का नाम क्या है, पहला नाम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस दिया गया, परमानेंट प्रेजेंट सब दिया गया है, मोबाइल नंबर वगैरह, मेल आईडी जरूर दीजिएगा, वो भी कंफर्म अच्छी तरह से दीजिएगा। सपोज दैट आप लोगों का कुछ भी मैसेज आता है तो हो सकता है मैसेज अगर नहीं आ पाया, मोबाइल में नहीं आ पाया तो मेल में जरूर आएगा, इसी के लिए मोबाइल और मेल आईडी देना बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह मंगा है जो आप लोगों को भरना होगा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस जो दिया गया है वो चीज़ यहाँ पे टेबल पे देना पड़ेगा आप लोगों का, एम्प्लॉयर किस कंपनी के थे, क्या आप लोगों का डिजिग्नेशन यानी कि पोजीशन क्या था, कब से कब तक काम किए हैं, एक्सपीरियंस था कि कब से, ये सब सारे डिटेल आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर दिया है तो चौथा नंबर पॉइंट में आप लोगों को वो चीज़ भरना पड़ेगा, स्किल वगैरह आप लोगों का कंप्यूटर का किस तरह से है, वो सब डिटेल भर के आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ एक लेटेस्ट जॉब के साथ या नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।